हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, आई एम डॉक्टर वरुण वासल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फोरआर्म एंड रिस्ट एक्सरसाइजेस के बारे में। याद है मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था फिंगर एक्सरसाइज वाले वीडियो में कि हम रिस्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट होता है ये पूरा आर्म, फोरआर्म और रिस्ट और फिंगर्स, ये हमारा जो हैंड है इतना सारा काम करता है। सारा दिन हमने टाइपिंग करना है, फ़ोन देखना है, सब कुछ करना है और इसमें ये इन मसल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, पर हम इसकी एक्सरसाइज नहीं करते, ये मसल्स निगलेक्ट हो जाते हैं। तो अब आपको पता है कि जब टेनिस एल्बो होता है तो जब हम एक्सटेंसर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं उसकी वजह से होता है, पर उसको ठीक करने के बाद उसको स्ट्रेंथनिंग भी ज़रूरी है। इसी तरह से जब गोल्फर्स एल्बो होता है तो हमारे फ्लेक्सर जो होते हैं उसकी टेंडनाइटिस की वजह से होता है, जब हमारे फ्लेक्सर्स ओवर यूज़ हो जाते हैं। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स में तो हमारा रिस्ट और फोरआर्म की एक्सरसाइज करनी है जब हमने स्ट्रेंथनिंग करनी है, क्योंकि रिस्ट स्ट्रेंथनिंग करेंगे, फोरआर्म स्ट्रेंथनिंग करेंगे तो हमारा हैंड जो है वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाता है। बाकी फिंगर एक्सरसाइज के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। अब बात करते हैं हम रिस्ट एक्सरसाइज के बारे में। तो ये हमारा रिस्ट एक्सरसाइजर, ये काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा है कि रिस्ट एक्सरसाइजर कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तो नीचे लिखे नंबर पर जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, क्योंकि पहले रिस्ट एक्सरसाइजर आता था काफ़ी हैवी, अब ये हमारा लाइट मॉडल है। तो इसमें क्या करना है हमने, अब मान लीजिए मैंने रिस्ट की एक्सरसाइज करनी है, सीधा फ्लेक्शन एक्सरसाइज पे चलते हैं पहले। तो इस तरह से हमने इसको डाल लेना है, आपको ये दिखा देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर हमने फ्लेक्शन करना है तो हाथ को जो फर्स्ट हमारा पार्ट है इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर किसी का हाथ लंबा है तो इसको ये जो है इसको एडजस्ट करके थोड़ा नीचे कर सकते हैं ताकि ये आ जाए। तो फर्स्ट ब्लॉक में हमने हाथ डाल के उसके बाद निकालना हमने यहाँ से है। अब देखिए इस तरह से वेव बनेगी, यहाँ से हमने हाथ डाल के इसको निकालना यहाँ से ऐसे। तो ये हो गया और ये जो आ गया हमारा, ये रिस्ट के थोड़ा सा नीचे आना चाहिए ऐसे, ताकि ये हमारा जो है एक वहाँ पे सपोर्ट दे जब हमने इसको फ्लेक्स करना है, तो यहाँ पे एक प्रॉपर सपोर्ट रहे। अब देखिए अब हम कर रहे हैं रिस्ट फ्लेक्शन, यानी कि ये मूवमेंट। फ्लेक्शन का मतलब इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा इसने भी सपोर्ट दे दिया यहाँ से और इसने वो सपोर्ट दे दिया ऊपर से, तो ये हो गया रिस्ट फ्लेक्शन। तो अब इसका बेनिफिट क्या है कि हमारे जितने फ्लेक्सर्स हैं, फिंगर फ्लेक्सर्स, रिस्ट फ्लेक्सर्स, तो जो कि फोरआर्म पे लगे होते हैं, तो ये सारे एक्टिवेट होते हैं। तो इससे ग्रिपिंग मसल्स भी काम आते हैं, कि जो स्पेशली जिम में एक्सरसाइज करते हैं और रिस्ट की एक्सरसाइज करना बड़ा पसंद करते हैं तो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब देखिए तब हमने क्या किया था, इस तरह से, यानी कि हमारा डॉर्सम ऑफ हैंड ऊपर था, पाम नीचे था। अब हमने क्या करना है, पाम ऊपर कर लेना है और करना वही है, इसी तरह से इसके यहाँ से निकाल लेना है। अब जो होगा ये वाला चीज़ जो है पहले हमारे यहाँ पे आई थी हमारे एक्सटेंसर कंपोनेंट पे, अब आएगी फ्लेक्सर कंपोनेंट पे ऐसे। मतलब सेम चीज़, अगर आप ऐसे करेंगे तो फ्लेक्शन के लिए हो जाएगी, अगर हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे तो ये एक्सटेंसर्स के लिए हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से अब मैंने सेम ही रिस्ट एक्सरसाइजर में फिंगर अपना फोरआर्म एक्सटेंसर और फोरआर्म फ्लेक्सर, तो अब सेम ही रिस्ट एक्सरसाइजर में हमारी रिस्ट एक्सटेंशन भी हो रही है और रिस्ट फ्लेक्शन भी हो रही है। अब ये हमारी रिस्ट एक्सटेंशन हो गई। अब देखिए अब ये एक्सटेंसर्स को काम करने के लिए हम जो टाइपिंग करते हैं सारा दिन उनकी रिस्ट ऐसे रहती है, तो उसको स्ट्रेंथ भी तो चाहिए, तो इस तरह से हमने रिस्ट एक्सटेंसर्स के लिए कर लिया। तो देखिए आपको कन्फ्यूजन हो तो इसके लिए अगर हम इसके इस तरह से नीचे से लेके ऐसे ऊपर डालते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं, तो ये होगा एक्सटेंसर्स के लिए। अगर हम इसके ऊपर से लेके इस तरह से इसके अंदर से हाथ डालते हैं तो ये होगा हमारी फ्लेक्शन के लिए। तो ये रिस्ट एक्सरसाइजर को ऑर्डर करने के लिए आप नीचे लिखे नंबर पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज करके, और साथ ही इसका जो कॉम्बो है फिंगर एक्सरसाइजर और रिस्ट एक्सरसाइजर, इसका कॉम्बो भी है, उसको भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आप मंगवा के अपने हैंड, रिस्ट, फोरआर्म, फिंगर्स, सबकी स्ट्रेंथ जो है वो लेके आ सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि रिस्ट की एक्सरसाइज करना काफ़ी लोगों को नहीं पता कि रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कैसे करें, तो ये बड़ा इजी कंपोनेंट है। अपने टेबल पे रखिए और आपको दोनों तरफ से पता लग गया कि किस तरह से हमने एक्सरसाइज करना होता है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।